हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजेश्वरी। आई एम बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ पॉइजन अपैरेचेस, विष उपकरण। विषहीन जो सांप होते हैं उनमें विष उपकरण अनुपस्थित होता है, जबकि विषैले सर्पों में विष उपकरण उपस्थित रहता है। यह विष उपकरण निम्न भागों से मिलकर बना होता है। तो पहला है विष ग्रंथियाँ, पॉइजन ग्लैंड। विषैली सांपों के सिर पर एक जोड़ी विष ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनमें से प्रत्येक विष ग्रंथि सिर के और ऊपरी जबड़े के पीछे के भाग में नेत्र के नीचे स्थित होती है। यह ग्रंथि सुपीरियर लेबियल लार ग्रंथि के रूपांतरण से बनी होती है। इस ग्रंथि का आकार अलग अलग सांपों में अलग अलग होता है। प्रत्येक विष ग्रंथि चारों ओर से एक मोटे फाइबर्स कनेक्टिव ऊतक से घिरी होती है तथा एक पंख के आकार को पेशों से ढकी रहती है। सेकंड है विष नलिका, पॉइजन डक्ट। प्रत्येक विष ग्रंथि के अगले भाग से एक नलिका निकलती है जिसे विष नलिका कहते हैं। यह नलिका आगे बढ़कर विष दांतों के आधार पर उनके ग्रुप में खुलती है। थर्ड है विष उपकरण की पेशियां, मसल्स ऑफ पॉइजन अपैरेचेस। विष उपकरण को उपयोग में लाने के लिए सांपों से निम्न तीन प्रकार की पेशियां पाई जाती है, एंटेरियर तथा टेम्पोरिलीज। यह पेशियां क्रेनियम तथा निचले जबड़े पर क्रमशः आगे व पीछे लगी रहती है। यह जबड़े को बंद करने का काम करती है। सेकेंड, स्पिनोटेरी गोएड तथा प्रोकैरी टेरिगोएड। यह पेशी के पीछे टेरिगोएड की सतह से और आगे की ओर स्पिनर मॉडल क्षेत्र से जुड़ी रहती है। अस्थि को आगे खींचने में मदद करती है। थर्ड है डाइगेस्टिक पेशी। यह पेशी एक और खोपड़ी को अस्थि से तथा दूसरी ओर से निकले जबड़े की आर्टिकुलर अस्थि से जुड़ी रहती है। चौथा है विष दंत, पॉइजन डक्ट। विष दंत सांपों की विशिष्ट रचना होती है। लंबे नुकीले नीडल के समान अंदर की ओर जुड़े रहते हैं। यह दांत मैक्सिलरी अस्थि से जुड़े रहते हैं। यह हाइपोडर्मिक नीडल्स की भांति कार्य करते हैं, जिसकी सहायता से सर्प अपने विष को अपने शिकार के शरीर में पहुंचने में सक्षम होते हैं। जब तक विष दंत टूट जाता है तो इसकी जगह दूसरा विष दंत आ जाता है। विष दंत निम्न प्रकार का होता है, सेलिनी ग्लाइफस। इस प्रकार के विष दंत में प्रत्येक मैक्सिला के आगे के भाग पर एक बड़ा कार्यशील दांत पाया जाता है। इसका आधार यह भाग चारों ओर से एक शीथ से ढका रहता है, जिसमें कुछ रिजवर्ड तथा विकसित दांत पाए जाते हैं। सेकंड है इसमें प्रोटीरोलाइफस। इस प्रकार के दांत छोटे तथा मैक्सिला अस्थियों के आगे सिर पर स्थायी रूप से खड़े होते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक दांत के सामने की सतह पर पूरी लंबाई में एक खांच पाया जाता है। इस प्रकार का दांत करैत, कोबरा, कोरल सांपों तथा समुद्री सांपों में पाए जाते हैं।